कैसे हैं आप लोग? 23 जून 2020, तो रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का एक वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे हुई। तो देखिए, यहाँ पे आरआईसी मीटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। जो आरआईसी के जो चेयरमैन है अभी रशिया के पास, तो पहले इंडिया और चाइना के जो बायलेटरल टेंशन के वजह से ये मीटिंग जो इंडिया स्किप करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे रशिया ने काफी कन्विंस किया। बाद में इंडियन ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि इंडिया जो है इस वर्चुअल मीटिंग को, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के जो मीटिंग है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो काफी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुई। आरआईसी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, जो अगर बात करेंगे जो क्वाड कंट्रीज है, तो क्वाड कंट्रीज के मुकाबले आरआईसी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रशिया क्यों यहाँ पे जो है आरआईसी को यहाँ पे मीटिंग को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रही है। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो इसमें आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, पूरे महीने का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, इसका पीडीएफ जो है बहुत ही कम प्राइस में जो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे 23 जून 2020 को जो इंडिया, रशिया और चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रशिया चाइना इंडिया रिक यहां पे बोल सकते हैं, रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग हुई। तो ये मीटिंग जो है एक्चुअली होस्ट किया गया था जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लेवरोफ, और जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर जो थे यहाँ पे वैंग वी, यहाँ पे ये भी मौजूद थे। तो यहाँ पे जो है, एक तो है कि रशिया के जो, अगर यहाँ पे बात करेंगे, जो 75th फाउंडेशन एनिवर्सरी जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसके साथ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी यहाँ पे खत्म होने की 75 इयर्स का यहाँ पे जो मेन बात की गई थी। तो यहाँ पे भारत के प्रतिरक्षा मंत्री भी 3 दिवसीय यात्रा के लिए जो मॉस्को गए हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने भी जो 75th एनिवर्सरी जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो वहाँ पे विक्ट्री डे परेड में यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया। नॉट ओनली यहाँ पे भारत के एक कॉन्टिंजेंट भी गई हुई थी, यहाँ पे 75 टीम की एक कॉन्टिंजेंट भी वहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे जो है रिक में जो है वर्चुअल जो डिस्कशन में काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया, रिगार्डिंग द COVID-19 पैंडेमिक के हिसाब से जो ग्लोबल सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आरआईसी के जो कॉरपोरेशन इसमें कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात हुई। और यहाँ पे जो है भारत ने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे बात की कि इसकी स्पीडी डिलीवरी होनी चाहिए। तो एक चीज देखिए कि यूएसए ने जो है अकॉर्डिंग टू द काट्सा एक्ट टर्की के ऊपर यहाँ पे सैंक्शन लगाने की बात हो रही थी कि अगर रशिया से उन लोग S-400 खरीदेंगे। तो यहाँ पे इंडिया की स्टांस जो है रशिया से S-400 खरीदने के बाद यूएसए कैसा स्टेप लेगी, इसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंस काफी है। तो एक चीज अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखिए, ये देखिए रशिया, चाइना और इंडिया, 3 मेजर सुपर पावर्स है एशिया के। तो एक चीज देखे यहाँ पे, जब इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर टेंशन शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे यूएस ने जब स्टैंड अप शुरू हो गया था कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे अपने कॉन्वॉय यहाँ पे जो चेक करने के लिए भेजे थे 3 कॉन्वॉय, तो यहाँ पे इंडिया को जो है क्वाड ग्रुप के ही एक मेंबर, तो क्वाड ग्रुप में जो है 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो सपोर्ट इंडिया को यहाँ पे मिला था। तो काफी सारे, एक चीज देखिए कि यहाँ पे रशिया जो है यहाँ पे आरआईसी में जो है रशिया, इंडिया, चाइना, तो रशिया यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि इंडिया जो है ग्रेजुअली यहाँ पे जो क्वाड ग्रुप की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होके जा रही है। तो यहाँ पे यूएसए जो है इस एरिया को जो यहाँ पे बोला जाता है इंडो पैसिफिक, लेकिन रशिया यहाँ पे इंडो पैसिफिक टर्म नहीं, यहाँ पे रशिया जो है एशिया पैसिफिक भी बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आरआईसी के जो बैकग्राउंड के बारे में समझ लेंगे, तो यहाँ पे मेन जो 3 कैपिटल सिटी है, मॉस्को, बीजिंग और दिल्ली, तो यहाँ पे इन तीनों को जो है स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बोला गया था। तो इसका मेन प्रस्तावना पहले 1998 में रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में येवगेनी
क्रीमी कावोव, तो इन्होंने इसके बारे में रखी थी। देन ये जो है एक रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए पूरे दुनिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। तो अलग अलग देशों में यहाँ पे अलग अलग है। अगर एक चीज बात करेंगे यहाँ पे तो देखें कि यहाँ पे रशिया, इंडिया और चाइना जो है, अगर बात करेंगे ब्रिक हो यहाँ पे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो, या फिर G20 की भी कॉन्फ्रेंस अगर हो, समिट हो यहाँ पे, तो उस टाइम में भी भले ही थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन यहाँ पे इंडिया के और रशिया के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे भले ही 30 मिनट्स के भी यहाँ पे डिस्कशन रखते हैं, या फिर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, या फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो छोटी छोटी यहाँ पे बातें होती रहती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, पहली बार जो ये शुरू हुई थी, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो अधिवेशन हुई थी 2002 में न्यूयॉर्क में, तो उस टाइम में रिक की यहाँ पे जो है पहली बात शुरू हुई थी। तो अगर बात करेंगे जो RIC कंट्रीज जो है, यहाँ पे अगर बात करेंगे ग्लोबल लैंड मास में लगभग 19% ये एरिया जो है पूरे दुनिया का ऑक्यूपाई करती है, और अगर बात करेंगे GDP के टर्म्स में भी लगभग 33% ग्लोबल GDP जो है इन तीनों कंट्री यहां पे कंट्रीब्यूट करती है। तो यहां पे अगर बात करेंगे, रशिया और चाइना जो है परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से। तो रशिया जो है यहां पे इंडिया को भी सपोर्ट करिए कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर बात करेंगे यहां पे क्वाड ग्रुप जो है, तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहती है कि इंडिया जो है क्वाड ग्रुप के साथ जो है यहाँ पे जो उसकी इम्पोर्टेंस वहां पे दे, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में भी अगर देखेंगे एक आर्टिकल छपा था, तो रशिया के एम्बेसडर्स ने यहाँ पे काफी जो है कंसर्न जताई थी। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे अगर इंडिया जो है RIC का अगर यहाँ पे जो है स्किप कर लेते, क्योंकि जो है बायलेटरल टेंशन भारत और चाइना के बीच में चल रही है, तो उसी टाइम में है कि इंडिया नहीं चाहती। तो एस जयशंकर ने यहाँ पे जो है एक मेंशन की थी बात जो है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इसके बाद जो है एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि अभी जो है चेयरमैन RIC के रशिया के पास है, इंडिया जो है RIC को स्किप करेंगे और बाकी सारे जो रीजनल ग्रुप्स है उसमें इंपोर्टेंस देंगे। क्योंकि अगर बात किया जाए रशिया और चाइना के खुद के बीच में जो वहां पे उनके रिलेशनशिप है काफी अच्छे हैं फिलहाल, तो डेफिनेटली रशिया नहीं चाहेगी कि इंडिया वहां से बाहर आ जाए। तो यहां पे की जो इम्पोर्टेंस जो है काफी मैटर करती है रशिया के लिए। एक तो अगर इंडिया वहां से वापस भी आ जाए, इंडिया ने अगर उसको स्किप भी कर दिया, तो रशिया के यहाँ पे जो है जो मेन रशिया की जो चेयरमैनशिप में के बारे में यहाँ पे जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगी कि रशिया ने जो एशिया की यहाँ पे ग्रुपिंग्स को यहाँ पे बांध के रखने के लिए कुछ भी नहीं किया था। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे इंडिया अगर अलग अलग ग्रुप्स के साथ यहाँ पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे बात करेंगे क्वाड ग्रुप जो है यहाँ पे USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब जो है, तो रशिया के लिए भी यहाँ पे जो है जो USA के साथ एक जो पहले से ही कोल्ड वॉर होती रही है उसमें रशिया का इफेक्ट होगी। तो रशिया डेफिनेटली हर मामले में इंडिया को पहले से ही सपोर्ट करती आ रही है। रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप जो है अगर बात की जाती है, उनकी मिसाल काफी पुरानी है। तो 1971 में भी अगर बात करेंगे युद्ध के टाइम में भी रशिया ने काफी मदद की थी इंडिया को। तो अगर बात करेंगे रशिया जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को हर बार जो है बैक करती हुई आ रही है। तो यहाँ पे इस बार जो है रिक के जो मेन डिस्कशन में रशिया ने एक चीज मेंशन कर दिया कि थी यहाँ पे जो है कोई भी बायलेटरल डिस्कशन नहीं होगी, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी। तो यहाँ पे रशिया की तरफ से ये एक साफ जो है मैसेज था कि मेडिएट करने का यहाँ पे सवाल भी नहीं होगा। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लेब्रोव, तो यहाँ पे उन्होंने भी जो है इंडिया के बारे में बैक किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। तो 17 जून 2020 को भारत को जो है नॉन परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 2 साल के लिए जगह मिल गई है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे भारत को 192 कंट्रीज में से 184 वोट्स मिल चुके थे। तो यहाँ पे जो है काफी सारे अलग टॉपिक्स के बारे में भी बात हुई। अगर बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो यहाँ पे एस जयशंकर ने इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी डिटेल में मेंशन किया है। तो यहाँ पे उन्होंने ये
ये भी मेंशन किया है कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, तो इसके हिसाब से उन्होंने काफी मेंशन किया कि एक टाइप ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, क्योंकि इंडिया ने काफी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था। अगर बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से हो या फिर जो शोल्डर की जो सप्लाई देने में हो, तो बहुत ज्यादा इंडिया की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उसको इग्नोर किया गया था। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो रशिया यहाँ पे यही चाहेगी कि इंडिया को जो है RIC में इंक्लूड करके रखने की। अगर इंडिया यहाँ पे जो है बाहर आने भी चाहेगी तो काफी टाइम लग सकता है। और रशिया का अगर बात करेंगे, इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट लगभग 60-70% तक रशिया से ही यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती है। तो अगर ऐसे ही सिचुएशन में इंडिया अलग अलग ग्रुप्स के साथ यहाँ पे बना के अगर RIC से निकल के आ जाएगी, तो रशिया के लिए ये बिल्कुल रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे RIC की, तो रशिया डेफिनेटली चाहेगी कि यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हो, तो इसीलिए रशिया ने यहाँ पे जो इंडिया की इंपोर्टेंस को बहुत मेंशन किया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो RIC का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो देखिए यहाँ पे जो मीटिंग में कई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं, चाहे वो S-400 की बात हो यहाँ पे, देन RIC की इंपोर्टेंस के बारे में हो, तो यहाँ पे RIC की इंपोर्टेंस के बारे में ही हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस किया। अलग अलग एंगल से भी इसको देखा जा सकता है, इनफैक्ट आपके क्वेश्चंस में भी अलग अलग एंगल से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए और फैक्ट्स के साथ ही अपने आप जो आंसर्स को आपको सपोर्ट करने होंगे। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।